हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीराज किचन। आज हम बनाएंगे नरगिस की कोफ्ते, जिसके लिए मैंने हाफ के जी कीमा लिया है, जिसे अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ओनियन चॉप्ड, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा लहसुन और थ्री टेबल स्पून चने का पाउडर, भुने हुए चनों का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, वन फोर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, वन टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, अब इन चीज़ों को हम इन सब चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसके लिए मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया था। फ्रेंड्स, मेरा कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें वन टीस्पून घी डालेंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मेरा घी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने नरगिस के कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अंडों को फुल बॉईल करके छील लिया है। अब हम अपने कोफ्ते बनाने स्टार्ट करेंगे। हम अपने हाथ पर कीमे को ऐसे फैला लेंगे और इसके बीच में हम अंडे को रखेंगे और ऐसे करके हम अपने नरगिस की कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। मैंने पूरा अंडा रखा है, आप आधे आधा अंडा भी रख कर बना सकते हैं। अब मैं ऐसे अपने सारे कोफ्तों को बना लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। मैंने चार अंडे वाले कोफ्ते बनाए हैं नरगिसी, और पांच मैंने ऐसे ही सादे कोफ्ते बनाए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हमें ऑयल को ना ज़्यादा गरम करना है ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम होना चाहिए। अब हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। हम अपने कोफ्तों को ऐसे ही फ्राई होने देंगे, जब ये एक तरफ से खूब फ्राई हो जाएंगे, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मेरे कोफ्ते एक तरफ से फ्राई हो चुके थे, मैंने साइड चेंज कर दी है। अब मैं इन्हें थोड़ी देर में निकाल लूँगी। अब मैं ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने ली एक प्याज, एक टमाटर,
थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, मैंने उन्हें निकाल लिया है और अब मैं उसी तेल में अपने मसाले को बनाऊंगी जो मैंने अभी पीसा था मसाला सबसे पहले। और मैंने तेल को कम भी कर दिया था क्योंकि तेल बहुत था। अब मैं इसमें अपने मसाले को ऐड करूंगी। और इसे अच्छे से भून लूंगी। फ्रेंड्स, मेरी प्याज अच्छे से, प्याज और ये मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपने मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड करूँगी और साथ के साथ इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून दही। और इसे अच्छे से पकाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें अपने तले हुए कोफ्तों को डालूंगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। अब मैं इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। हमारे कोफ्ते को 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारे कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।